दत्ता को मिला है कर्मों का फल। क्या कुछ फैंस कह रहे हैं, किस तरह से सुम्बुल के फैंस जो है वो इमोशनल नजर आए हैं और टीना के साथ अब सुम्बुल जैसा ही जो हो रहा है उसकी वजह से फैंस क्या कहते दिख रहे हैं, बताएंगे आपको हम यहाँ पर टीवी विंडो की इस खास रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका टीवी विंडो पर, आपके साथ मैं हूं दीपिका भटनागर। टीना दत्ता का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है देखने को मिला पिछले एपिसोड में। टीना दत्ता जो है वो बुरी तरह से रोती हुई बिलखती हुई नजर आई और ये कहती हुई नजर आई, आई वॉन्ट टू गो होम, आई कांट हैंडल दिस, मतलब मैं यहां नहीं रुक सकती, मुझे घर जाना है, मैं नहीं यहां रह पा रही हूं। हाथ जोड़कर रोते हुए वो सलमान खान से ये गुहार लगाती हुई नजर आई। पर इसी बीच फैंस ने कुछ ऐसा नोटिस कर लिया जो शायद हमने नोटिस नहीं किया, या किया तो क्या था, आइए आपको बता देते हैं। देखिए, कुछ हफ्तों पहले टीना दत्ता ने कुछ ऐसा ही सुम्बुल तौकीर खान के साथ किया था। सुम्बुल तौकीर खान कुछ इसी तरह से रोते हुए बिलखते हुए नजर आई थी, हाथ जोड़कर सलमान से कहती हुई नजर आई थी कि मुझे यहां से जाना है। जब टीना दत्ता ने इस तरह से सवाल किया था, टीना दत्ता के बारे में बातचीत चल रही थी, सुम्बुल के बारे में बात हो रही थी और शालीन के बारे में बात हो रही थी, सलमान ने पूछा था कि क्या लगता है सुम्बुल ऑब्सेस्ड है शालीन से, टीना से जब ये सवाल पूछा था तो टीना ने हाँ किया था। इसके बाद सब इसी तरह की बात करने लगे थे और सुम्बुल पर कई इल्जाम यहां लगते हुए उस वक्त नजर आए थे। सुम्बुल रोते हुए हाथ जोड़ते हुए घर जाने की बात कह रही थी और अब फैंस यही कह रहे हैं कि टीना आपने एक 18-19 साल की लड़की का करेक्टर असैसिनेशन किया था, उसकी गलती भी नहीं थी, तो क्या सोचा था तुमने कि भगवान नहीं देख रहा है, भगवान सब कुछ नोटिस कर रहा है और आज भगवान ने तुम्हारी पोल खोल कर रख दी। ट्वीट कर रहे हैं फैंस इस तरह से। एक फैन ने ट्वीट किया है यहाँ पर कि कर्मा जो है वो इसी तरह होता है, घूम फिर कर कर्मा आगे आ ही जाता है। एक फैन कहते हुए नजर आए कि टीना दत्ता ने जो कुछ किया अब वही टीना दत्ता के आगे आ रहा है, तो इसमें परेशानी किस बात की हो रही है। व्हाट गोज अराउंड ऑलवेज कम्स अराउंड, यानी कि हम जो करते हैं वही भरते हैं। फैंस इस तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टीना दत्ता के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि एक वक्त पर सुम्बुल के साथ वो यही सब कुछ कर रही थी, वो भी बिना किसी गलती के, और जब बिना किसी गलती के आप किसी को टॉर्चर कर रहे थे तो वो घूम फिर कर लौट कर आप पर आना ही है, ये फैंस का कहना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट्स के जरिए बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।